ये तो आप सभी जानते हैं कि 18 मार्च से माता रानी के नवरात्र शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में हर कोई माता रानी को खुश करने के लिए उनके व्रत रख रहा है, और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नवरात्रि के दिनों में माता रानी के दर्शन करने के लिए खास तौर पर वैष्णो देवी जाते हैं। पर अगर आप भी इन दिनों माता के दर्शन करने की सोच रहे हैं और वैष्णो देवी जाने की सोच रहे हैं, तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब इसे माता रानी का चमत्कार कहें या लोगों की श्रद्धा, ये अच्छी खबर ठीक नवरात्र के दिनों में आई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस खबर के बारे में जरा विस्तार से। माता वैष्णो देवी के दरबार में सभी श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एलिवेटर लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, अगर हम सीधे शब्दों में आपसे कहें तो अब भवन क्षेत्र में यात्रियों की सुचारू रूप से आवाजाही के लिए कई श्रद्धालुओं और मार्गों पर सीढ़ियों के साथ एलिवेटर का प्रबंध भी किया जाएगा। वैसे इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल इंदौर एन ओहरा की अध्यक्षता के शुक्रवार को राजभवन जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी शरण बोर्ड की पांचवी बैठक हुई थी। बता दें कि इस बैठक में फिलहाल भवन के लिए पहले से ही मंजूर किए गए मास्टर प्लान के पहले चरण से साल 2021 तक और दूसरे चरण में साल 2031 तक एलिवेटर लगना तय किया गया है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस सुविधा से उन लोगों को माता रानी के दर्शन करने में काफी आसानी होगी जो सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे और जो वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने में असमर्थ होते थे। यकीनन इस खबर के जाने के बाद बहुत से श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ने से डरते हैं और इस वजह से माता के दर्शन करने नहीं जा सकते थे, वो भी अब माता के दर्शन करने के लिए अपनी पैकिंग करने लगेंगे। और वैसे भी श्रद्धालुओं को ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है जब माता रानी खुद अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आती हैं। इसके अलावा बुजुर्ग लोगों के लिए भी ये फैसला काफी वरदान की तरह साबित हुआ है। जी हाँ, वो लोग जिनके घुटनों में तकलीफ है या जिन्हें किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है चलने के लिए, वो आसानी से माता रानी के दर्शन के लिए उनके दरबार तक पहुँच सकते हैं। हालांकि इस सुविधा को मिलने में अभी थोड़ा समय बाकी है, लेकिन तब तक आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि शाइन बोर्ड की तरफ से इसकी तैयारियां काफी जल्दी शुरू कर दी गई है, यानी अब जल्द ही ये सुविधा लोगों को मिलने वाली है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।